गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई इंग्लिश क्लास माई नेम इज़ अंदानी मित्तल एंड टूडे आवर सेशन इज़ फॉर द यूनिट टू दैट इज़ मैंस रिलेशनशिप विद एनिमल्स सो फर्स्ट लेट एस अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर मैंस रिलेशनशिप विद एनिमल्स मीन्स लोगों के रिलेशनस एनिमल्स से कैसे होते अगर लोग एनिमल्स को लव से रखते हैं तो एनिमल भी उनको सामने लव से ही रखते हैं तो लेट स्टार्ट अवर एक्टिविटी वंस देर वॉज एन अरब हु ओन्ड अ वेरी फाइन हॉर्स द अरब ट्रीटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस वन डे अरब वॉज अटैक्ड बाई सम रॉबर्स सो एक दिन अरब था अरब यानी कि गल्फ कंट्रीज के लोगों को क्या बोलते हैं अरेबियंस बोलते थे तो वहाँ का एक आदमी था जिसके पास बहुत अच्छा हॉर्स था तो वो उसे बड़ी केयर से रखता था प्यार से रखता था वन डे अरब वॉज़ अटैक्ट बाई सम एक दिन उस अरब को बहुत सारे लुटेरों लुटेरों ने उस पर अटैक किया ही फेल ऑफ द हॉर्स और वो हॉर्स से नीचे गिर गया ही वॉज सो सीरियसली वाउंडेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप वाउंडेड यानी कि जख्मी हो गया ही वॉज सो सो सीरियसली वाउंडेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गैट अप वो बुरी तरह से जख्मी हो गया कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था इज हिज़ हॉर्स सो दिस और हॉर्स ने सब कुछ देखा ही अंडरस्टूड दैट हीज मास्टर वॉज बैडली हट और हॉर्स को पता चल गया कि अरब को बहुत ज्यादा चोट लगी है ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट विथ हीज एंड ब्रॉड हिम होम सीज्ड यानी कि दांतों तले दबा लेना तो उसने क्या किया अरब ने जो बेल्ट पहना हुआ था उसने हॉर्स ने वो बेल्ट को अपने दांतों तले दबा लिया और उसे खींचकर घर तक ले गया पीपल हु सो दिस प्रेस्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर तो जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन सब लोगों ने ये मास्टर और हॉर्स की हॉर्स का लव देखा और वो लोग तारीफ करने लगे सो दिस वॉज़ स्टोरी सो हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर सो द where is the answer in this paragraph i'll show you how did the horse help the master he seized see he seized his master's belt between his teeth and brought him home okay this is our first answer what does incident convey about man animal relationship so this incident shows the man relationship as a love relationship okay if man will show loyalty towards animals, animals will also show equal loyalty towards man. So, this was our story. So, now let's move on to activity 2. Activity 2 is about a secret for two. So, let's start. Montreal is a very large city of Canada. क्या है मॉन्ट्रियल कनाडा की एक लार्ज सिटी है एंड इट हैज़ सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट्स लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट और उसमें प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट ये एक स्ट्रीट का नाम है तो मॉन्ट्रियल में भी ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज पेरी ड्यूपिन सो यहाँ की स्ट्रीट्स को पैरीडुपिन ड्यूपिन कौन है एक नाम है एक लड़के का नाम या एक आदमी का नाम है पायरेट डुपिन तो वो वो सारी स्ट्रीट्स को ऐसे जानता था कि उसके अलावा कोई ऐसे नहीं जानता था पायर हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज़ ऑन द स्ट्रीट फॉर थर्टी ईयर्स यानी कि पायर है उसने इस स्ट्रीट में थर्टी ईयर्स कितने सालों तक थर्टी ईयर्स तीस सालों से वो वहाँ पे मिल्क डिलीवर करता है ही वॉज़ वन ऑफ मैनी मिल्क वेगन ड्राइवर्स नेटवर्क फॉर द कंपनी सो वो एक मिल्क कंपनी में काम करता था जो जो सुबह उठ कर मिल्क के वेगन को चलाकर घर घर पर दूध देने जाते थे तो ये पायरी भी ऐसा ही काम करता था ड्यूरिंग द पास्ट फिफ्टीन ईयर्स द हॉर्स विच ड्रू द मिल्क वेगन यूज बाय पायरी वॉज लार्ज वाइट हॉर्स नेम जोसेफ सो फिफ्टीन ईयर्स तक पास्ट फिफ्टीन ईयर्स तक ये पायरे का वैगन कौन चला रहा था एक हॉर्स चला रहा था जिसका नाम जोसेफ था और वो कैसा था हॉर्स लार्ज वाइट हॉर्स था राइट सो फिफ्टीन ईयर्स तक ये जोसेफ नाम का हॉर्स था जो लार्ज एंड वाइट था वो ही पायरे का वैगन चला रहा था वैन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी ही डिडेंट गिव ही डिडेंट हैव अ नेम और जब पहली बार वो हॉर्स मिल कंपनी में आया था तब उसका कोई नाम नहीं था डे टोल पायर दैट ही कोड यूज़ द वाइट हॉर्स और मिल कंपनी मिल कंपनी वालों ने पायरे को बोला कि वो ये हॉर्स को यूज़ कर सकता है पायरे स्ट्रॉक्ड द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इन टू हिज आइज स्ट्रॉक्ड यानी कि पैट करना पीछे उसकी पीठ को पैट किया उसने और हॉर्स के नेक नेक को भी पैट किया और उसके आँख में देखा दिस इज़ अ नाइस हॉर्स अ काइंड एंड जेंटल वन सेट द पायरे पायरे ने क्या बोला ये तो बहुत प्यारा हॉर्स है और काइंड है दयालु है आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ़ इसलिए मैं उसका नाम सेंट जोसेफ़ के नाम से रखूँगा जोसेफ क्योंकि वो भी काइंड और जेंटल थे विद इन अ ईयर जोसफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पायरी डिड और एक ही साल में जोसफ ने सारे मिल्क रूट को जहाँ जहाँ पे दूध देना था वो सारे रूट को याद कर लिया जैसे पैरी ने याद कर लिया था पैरी यूज टू से दैट ही डिड नीड रेंस रेंस यानी कि लगाम जो घोड़े घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो रोप यूज़ होती है उसे लगाम कहते हैं यानी कि रेन्स पायरे यूज टू से दैट ही डिडेंट नीड रेंस ही नेवर टच दैम और पायरे क्या बोलता था कि उसने कभी लगाम को टच ही नहीं किया क्योंकि जोसेफ को लगाम लगाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इच मॉर्निंग पायरे अराइव एट द स्टेबल्स ऑफ द मिल्क कंपनी एट फाइव ओ क्लॉक क्या करता था पायरे सुबह पाँच बजे उठकर वो मिल्क कंपनी के स्टेबल्स में स्टेबल्स यानी कि जहाँ पे सारे घोड़ों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं स्टेबल्स बोलते हैं तो पायरे है वो सुबह पाँच बजे उठकर ये स्टेबल्स पे आता था द वेगन वुड बी लॉडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट और सारे और वैगन को तैयार किया जाता था यानी कि जो मिल्क जिस वेसल्स में भरा जाता है वो सारे वेसल्स को जोसफ के जोसफ से रॉप से बांध देते थे वैगन में राइट हिच यानी कि बांध देना रोप से पायरे वुड कॉल सॉफ्टली टू तो जोसफ गो ऑन माई फ्रेंड एंड दिस स्पलेंडेड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट पायरेट क्या बोलता था जोसेफ को धीरे से बोलता था कि चलो मेरे फ्रेंड एंड दिस स्पलेंडिड यानी कि यह बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन था वुडली स्टॉक प्राउडली यानी कि चलना स्टॉक प्राउडली यानी कि चलते चलते स्ट्रीट में चले जाते थे द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पायरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट और वैगन कहाँ पे जाके रुकता था प्रिंस वैग एडवर्ड स्ट्रीट में जाके रुकता था उसे क्यों क्योंकि वैगन कौन चला रहा था हॉर्स चला रहा था और वो इतना स्मार्ट था कि उसे कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और सीधा जाके एडवर्ड स्ट्रीट में रुक जाता था हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस कहाँ पे जाके रुकता था पहले हाउस पे जाके रुकता था अलाउ पैरी पर हैप्स थर्टी सेकेंड्स टू तो गेट डाउन फ्रॉम हिस सीट यानी कि वो पैरी को थर्टी सेकेंड्स देता था वैगन से नीचे उतरने के लिए एंड पुट अ बॉटल ऑफ़ मिल्क एट द फ्रंट डोर और वो डोर के पास मिल्क रखने जाता था अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्कीपिंग टू हाउसेज और फिर वापस से हॉर्स चला जाता था दो हाउस को स्कीप कर से स्कीप करके तीसरे हाउस पर जाके रुकता था सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो जोसेफ जोसफ टर्न अराउंड एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट यानी कि जब सारे स्ट्रीट के दूध सारे स्ट्रीट को दूध पहुँचा के जब ख़त्म हो जाता था तो जोसफ अपने आप से यू टर्न ले लेता था और दूसरी स्ट्रीट में चला जाता था फिर यस जोसेफ़ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स क्योंकि वो स्मार्ट हॉर्स था उससे सब पता चल जाता था कि किस हाउस पर दूध देना है किस हाउस पर रुकना है और कौन से स्टेट में जाना है एट द स्टेबल्स पैरीवुड बॉस्ट ऑफ जोसेफ स्किल्स सो क्या करता था जब पैरी स्टेबल्स में यानी कि हॉर्स को जहाँ पे रखते थे वहाँ पर जाता था तो जोसेफ्स की स्किल्स के बारे में बॉस्ट करता था यानी कि तारीफ करता था क्या करता था तारीफ़ करता था आई विल नेवर टच द रस आई नेवर टच द रस ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप वाई अ ब्लाड ब्लाइंड मैन कोड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वेगन और वो क्या बोलता था कि मुझे कभी जोसेफ की लगाम पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्यों क्योंकि वो इतना स्मार्ट है और कोई अंधा आदमी भी वेगन चला लेता अगर जोसेफ वेगन चलाने वाला हो तो सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स और कई सालों तक वो दोनों साथ में दूध देने के लिए जाते रहे पायरी एंड जॉसेफ ग्रू ओ ओल्डर टुगेदर और वो दोनों साथ में ही बूढ़े हो गए बट ग्रेजुअली नॉट सडनली अचानक से नहीं हुआ था धीरे धीरे पायरीज यूज वॉलस माउथस्टिक्स वॉज प्योर वाइट नाउ यूज वॉलस माउथस्टिक्स यानी कि लंबी और थिक मोस्टेक्सि पायरी की वो अब कैसी हो गई है वाइट हो गई है जोसेफ डिडेंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई और अब जोसेफ की नीज यानी कि हॉर्स की नीज कैसी हो गई है? अब ज़्यादा ऊंची नहीं हो पा रही है क्योंकि वो धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जा रहा है नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज जैक्स सो जैक्स हियर इज़ अ फॉर यानी कि सुपरवाइजर है मिल्क कंपनी का फॉरमैन यानी कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर ऑफ द स्टेबल जो स्टेबल था मिल्क कंपनी का वहाँ का सुपरवाइजर कौन था जैक्स था सो दिस इज अ थर्ड कैरेक्टर ऑफ अवर पोएम स्टोरी सॉरी नेवर नोटिस दैट देर वेर गेट नेवर नोटिस दैट दे वेर गेटिंग ओल्ड एंटिल पैरी अ वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक सो ये सुपरवाइज़र को कभी पता ही नहीं चला कि ये दोनों बूढ़े हो गए हैं पर उसको एक दिन पता चला जब पैरी अपने साथ एक स्टिक लकड़ी लेके चलने के लिए आया लकड़ी लेकर चल के आया ठीक है है पैरी जैक्स लाफ्ट और पैरी को ऐसे स्टिक लेते हुए आते देखकर क्या किया जैक्स ने लाफ किया मै बी मै बी यू हैव गॉट द गाउट गाउट यानी कि डिजीज़ रिलेटेड टू बोन्स जब हमारे बोन्स में कोई डिजीज़ होती है पेनिंग या स्वाल्विंग वैसा कुछ होता है तो उसे क्या बोलते हैं गाउट बोलते हैं तो जैक्स क्या बोलता है मे बी यू हैव गॉट अ गाउट है तो उसने क्या बोला हंस के पैरी को बोला कि क्या तुम्हें बोन्स की डिजीज़ हो गई है गाउट हो गया है तो येस जैक्स रिप्लाइड पैरी अनसर्टेनली बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड सो जैक्स ने क्या uh, पैरी ने क्या रिप्लाई किया कि हाँ जैक्स ऐसा ही है क्योंकि जब लोग बूढ़े होते हैं तो लेग्स थक जाते हैं हमारे पैर थक जाते हैं यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स जैक्स से टू हिम ही डज एवरी थिंग एल्स फॉर यू सो जैक्स ने और एक बात की कि अब तुमको अपने हॉर्स को सारी चीज़ें सिखा देनी चाहिए कि हर कस्टमर्स को घर पर जाके दूध भी दे दे क्योंकि बाकी सारे काम तो वो करता ही है One morning the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. So एक एक सुबह को milk company का manager आया सारी दूध की deliveries को देखने के लिए पॉइंटिंग आउट टू Perry, जैक्स said टू हिम watch हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स हुम ही कॉल्स जोसेफ़ और जैक्स और वो मिल्क आ, मैनेजर था वो दोनों देखते थे और उसी टाइम पे जैक्स ने पैरी की तरफ हाथ उंगली करते हुए कहा कि देखो वो दोनों कैसे बात कर रहे हैं वो अपने और जोसेफ्स के साथ कैसे बात कर रहा है सी द लुक इन दॉर्स आइज और हॉर्स की आंखों में भी देखो आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट और जैक्स ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है समटाइम्स दे सीम टू चक्क लेट अस एज दे गो ऑफ ऑन द रूट इन द मॉर्निंग सो क्या बताए कि कभी कभी सुबह तो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे चक्कल यानि कि लाफ साइलेंटली वो दोनों हमारे ऊपर हंस रहे हो ऐसा लगता है पायरे इज ए गुड मैन बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड सो जैक्स ने क्या बोला कि पायरे बहुत अच्छा इंसान है पर अब वो बूढ़ा हो गया है डोंट यू थिंक ये शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन और जैक्स ने क्या 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 कहा मैनेजर को कि कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए और उसे थोड़ा सा पेंशन भी देना चाहिए तो ऑफ कोर्स सेट द मैनेजर मैनेजर ने क्या बोला हाँ सही बात है ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर थर्टी ईयर्स एंड नॉट इवन वंस हैज़ देर बीन अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम टेल हिम इट इज़ द टाइम ही शुड रेस्ट हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द टाइम सो मैनेजर ने क्या बोला कि हाँ सही बात है और ये मिल्क कंपनी में तीस सालों से काम कर रहा है और अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई है और अब उसका टाइम रेस्ट करने का है तो तुम उसे बोल दो कि वो रिटायर हो जाए उसकी सैलरी चलती रहेगी हम उसको सैलरी प्रोवाइड करते रहेंगे बट पैरी रिफ्यूज़ टू रिटायर सो पैरी ने मना कर दिया कि मैं रिटायर नहीं हूँ ही कुड नॉट बैर द थाट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जॉसेफ एवरीडे री so, ने मना किया क्योंकि वो जोसेफ के बगैर नहीं रह सकता वो जोसेफ़ को ड्राइव करे बगैर नहीं रह सकता ही सेड टू जैक्स वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई उसने क्या बोला हम तो दो बूढ़े आदमी हैं एक मैं और एक जोसेफ़ लेट इज़ वेयर आउट टुगेदर वेयर आउट यानी कि वेर आउट यानी कि बहुत चीज़ को यूज करने के बाद जब वो कोई यूज़ की नहीं रहती उसे वेर आउट कहते हैं बट यहाँ पे क्या है कि जोसेफ और पेरी है उसके सेंस में यूज़ किया है यानी कि हम दोनों साथ में ही मरेंगे ऐसे वन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर देन आई टू विलीव यानी कि जब जोसेफ रिटायर होने के लिए तैयार हो जाए तब मैं भी छोड़ दूंगा ये जॉब जैक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड जैक्स एक बहुत दयालु इंसान था अच्छा इंसान था इसलिए वो उसकी बात समझ गया देर वॉज समथिंग अबाउट पैरी एंड जोसेफ़ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली टेंडरली यानी कि धीरे से अंडर से लाफ किया उसने स्माइल किया क्योंकि वो उनकी बात को समझता था इट वॉज हो इच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम दी अदर यानी कि वो एक दूसरे का स्ट्रेंथ थे When Perry was sitting in his seat, and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. यानी कि जब हॉर्स से वैगन को बांधा जाता था मिल्क के वेसल्स को उस पर रखा जाता था और जब पैरी हॉर्स पे चढ़ जाता था तब किसी को भी नहीं लगता था कि वो दोनों बूढ़े हो गए हैं बट वन दे फिनिश दे वर्क पैरी वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट यानी कि डिफ़िकल्टी से चलना और जब उनका काम ख़त्म हो जाता था तो पैरी कैसा हो जाता था थका हुआ हो जाता डिफ़िकल्टी होती थी उसको चलने के लिए सीमिंग वेरी ओल्ड इंडिट और जब काम ख़त्म होता था तब पता चलता था कि अब पैरी ओल्ड हो गया है द हॉर्स हैड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वेरीली टू हिस स्टॉल यानी कि हॉर््स को भी ऐसी ही हालत हो जाती थी जब उसका काम पूरा हो जाता था तो वो भी थका थका और बहुत डिफिकल्टी से अपने स्टेबल की ओर चला जाता था देन वन मॉर्निंग जैक्स हैड्रेडफुल न्यूज फॉर द पैरी ही सेट पैरी जॉसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग ही वॉज वेरी ओल्ड पैरी यू नो ही वॉज ट्वेंटी फाइव एंड देट इज़ लाइक सेवेंटी फाइव फॉर अ मैन जो कि बोला एक एक मॉर्निंग को जैक्स आता है ड्रेडफुल यानी कि बहुत दुख भरी न्यूज़ लेके पैरी के पास आता है और उसे कहता है कि पैरी जोसेफ तो आज सवेरे को उठा ही नहीं क्योंकि वो वो बहुत बूढ़ा हो गया था यानी कि वो मर गया है तो पैरी उसने पैरी को बताया कि तुम्हें पता था कि वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स का है तो जो हमारी एज जब सेवेंटी फाइव की होती है जो हालत हमारी सेवेंटी फाइव पे होती है उस वो हालत हॉर्स लोगों की कब होती है ट्वेंटी फाइव ईयर्स में वो इतने बूढ़े हो जाते हैं जब हम सेवेंटी फाइव के होते हैं तो यस पैरी यस पैरी सेड स्लोली पैरी ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ आई एम सेवेंटी फाइव नाउ आई शाल सी सेम अगेन माई पुअर जोसेफ़ और पैरी ने स्लोली बोला कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं भी सेवेंटी फाइव का हूँ और अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा मेरा प्यारा जोसेफ जैक्स पैटेड पैरी ऑन द शोल्डर और जैक्स ने क्या कहा क्या करा पैट किया पैरी के शोल्डर पर वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ़ वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल डीट हिम योर रूट सो so, अब जैक्स ने क्या कहा दिलासा देते हुए पैरी को कहा कि डोंट वरी तुम चिंता मत करो हम जोसेफ जैसा ही हॉर्स फाइंड कर लेंगे और तुम उसे भी एक ही मंथ में सब कुछ सिखा देना सो so, वेल well, उसने बोला हाँ ठीक है बट ही स्टॉप वैन ही लुक्ड इन टू द पैरीज़ आइस सो ये बात करते करते जब उसने पैरी के आइस की तरफ देखा तो वो अपनी बात को बंद कर दी चुप हो गया हो For years, Perry had worn a very worn a heavy cap. The peak of which came low over his eyes. So Perry एक cap cap पहनता था वो बहुत heavy था यानी कि उसकी peak थी ऐसी वाली see I will show you ऐसी वाली ये cap है तो ये जो peak है ये उसकी eyes की तरफ आती थी ऐसे yeah सो so, वो उसकी पिक है वो आइस की तरफ आती थी uh, तो हैवी कैप द दिक ऑफ विच केम लो ओवर इज आइस नाउ व्हेन जैक्स लुक्ड इनटू पेरिस पैरिज आइस ही सो समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम और जब उसने उसकी आंखों की तरफ देखा तो वो चौंक गया ही सो अ डैड लाइफलेस लुक इन दैम उसे ऐसा लगा कि उसकी आँखें मर गई है यानी कि उसके सारे जो अरमान थे वो मर गए हैं दिस द आइज वर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पेरिस हार्ट एंड हिज सोल उसकी आंखों में क्या दिख रहा था बहुत दुख दिख रहा था अपने जॉसफ से दूर होने का इट इट वॉज दो हिज हार्ट एंड सोलड डाइड सो जैक्स को क्या लगा कि उसकी आइज उसका सोल और उसका हार्ट तीनों मर गए हैं ऐसा लगा क्योंकि वो दुख में था टेक टूडे ऑफ पैरी जैक्स सेड सो उसने क्या बोला कि आज तुम लीव ले लो यानी कि आज तुम छुट्टी ले लो बट बिफोर जैक्स कूड कम्प्लीट इस सेंटेंस पैरी वॉज ऑलरेडी लिंपिंग डाउन द स्ट्रीट और जैक्स जब अपना सेंटेंस ख़त्म करने वाला था यानी कि अपनी पूरी बात ख़त्म करता तब तक तो पैरी उठ कर चलने लगा स्ट्रीट की ओर स्ट्रीमिंग डाउन चीक्स एंड ही वॉज सोबिंग सो वो रोने लगा और सोबिंग यानी कि जब हम रोते वक्त ले, सांस सांस लेते हैं ना ऐसे इनहेलिंग um, करते हैं ब्रेकिंग ब्रेक करके उसे क्या बोलते हैं सोबिंग देर वॉज अ वार्निंग गेल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट एंड देर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स सो so, uh, और वो जब uh, रोते रोते जा रहा था तो सामने से वार्निंग येल यानी कि ड्राइवर जो यूज ट्रक का ड्राइवर था उसने जोर से चीखा और जो जोरों से ब्रेक्स लगाई बट इट अपियर दैट पैरी हैड ना हड सो ऐसा लगा कि पैरी ने तो कुछ सुना ही नहीं फ़ाइव मिनट्स लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड हिज डेड सो फाइव मिनट्स यानी कि एक्सीडेंट हो गया पैरी का और फाइव मिनट्स में एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने चेक किया तो क्या हुआ कि पैरी तो मर गया था